हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हमारा नेक्स्ट टाइप, वो भी सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का हमारा नेक्स्ट टाइप। आपको पता ही चल गया वो टाइप 3। अभी तक हमने, मैं आपको बता दूं तो टाइप 1 टाइप 2 को अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिए। टाइप 1 हमारा नंबर से रिलेटेड, देन टाइप 2 था हमारा वर्ड से रिलेटेड, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग है ना, तो वो था। तो हमने उसे उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल देखे, उन्होंने अच्छे से समझा। अब मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपने वो चीज अच्छे से समझी होगी तभी आपको ये वाला टॉपिक सही में आएगा, है ना। एक दूसरे पे डिपेंड है, वैसे है सभी में सेम पैटर्न, सेम सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन आपको क्या वो पैटर्न पता चलना चाहिए। आपको एक दो एग्जांपल सॉल्व किए होंगे तब आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, बाकी है सेम सब, इसमें समय में आएगा, लेकिन क्या थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि नंबर जो फर्स्ट टाइप था हमारा टाइप 1, अगर वो आपने अच्छे से किया तो आपको बाकी के सारे टाइप्स वन बाय वन, क्योंकि देखो नंबर से ऐसी चीज है ना कि जो आपको देख के पता चल सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पैटर्न क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। बाकी जब सेकंड टाइप पढ़ा था वर्ड्स, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। और यहाँ पर क्या था हमारे, यहाँ पर क्या है टाइप 3 सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ न्यूमरल एंड वर्ड, यानी आप मिक्स के फॉर्म में नंबर भी आएंगे वर्ड्स भी आएंगे, तो है ना। तो अगर आपको वो पता है तो आपको बहुत इजी होने वाला, नहीं पता तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तब भी आपको समय में आएगा, तो कोई बात नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 3। अभी हम कैसे करेंगे इसके कुछ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं और फिर इसे समझ लेते हैं कि टाइप 3 है क्या चीज, है ना। देखो मैं देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, वो तो सभी में सेम, मतलब कुछ ना कुछ इनपुट गिवन होगा, उसमें कुछ सीक्वेंस, कुछ पैटर्न बन रहे होंगे, है ना। उसे हमको समझना है, उसे ट्रेस करना है और फाइनली एक आउटपुट देना है। तो ये तो सभी में, लेकिन हमें चेंजेस क्या, और पहले हमें नंबर के बारे में पढ़ा, फिर वर्ड्स, फिर अभी दोनों को मिक्स के फॉर्म में पढ़ा। तो आइए हम टाइप 3 समझते हैं है क्या चीज, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा कुछ एग्जाम्पल, है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइप 3 कर रहे हैं जो कि सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ न्यूमरल या फिर वर्ड्स, ये कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं फिर से आपको बता दूं कि जो हमारा टाइप 3 उसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। कुछ देखो यहाँ इनपुट गिवन है, यहाँ हमारा गिवन है इनपुट, है ना। इसके लिए हमारा इनपुट ये चीज है, ये हमारा इनपुट है, और फाइनली आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, इसका आउटपुट आएगा ये हमारा आएगा आउटपुट, समझे। तो हमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले तो जो इनपुट और आउटपुट जो क्वेश्चन में गिवन, उसको सबसे पहले समझो, उसको पढ़ो, क्या ऑर्डर बन रहा है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, ये सबसे फर्स्ट काम हमारा ये। अगर हमको ये पता कि इनपुट कुछ ऐसा दे, उसका आउटपुट कैसे निकल के आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सीक्वेंस, वो अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले हमारा काम है सिर्फ इतना समझना, मतलब इनपुट से स्टार्ट करो और जहां यहां तक इतने ऊपर पूरा समझो क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सीक्वेंस। अगर इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया तब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आप देख रहे हो इनपुट देखो मैंने क्या बोला, हम पढ़ रहे सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ न्यूमरल एंड वर्ड्स, नंबर्स और वर्ड्स का मिक्सिंग, है ना। तो देख सकते हो आप, देखो वर्ड्स सारे, नंबर सारे, वर्ड्स नंबर वर्ड्स, है ना। तो देखो सबसे पहले इसी रैंडम फॉर्म में दिया, कभी दो वर्ड्स आ जाए फिर दो नंबर, फिर एक वर्ड, फिर दो नंबर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। तो इनपुट तो कुछ दिए, लेकिन डायरेक्टली आओ नजर डालो, ध्यान दो हमारे आउटपुट पे, और ध्यान दो आउटपुट बनने में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सीक्वेंस बन रहा है, वो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा फाइनली जो हम क्वेश्चन करेंगे तो वो इजी होगा, है ना। तो ध्यान दो क्या दिया, देखो आउटपुट में देखो एक चीज ध्यान से नोटिस, सबसे पहले नंबर की बात करता हूँ, वर्ड्स की नहीं। देखो फर्स्ट स्टेप छोड़ दिया, सेकंड, थर्ड छोड़ दिया, फोर्थ, फिफ्थ छोड़ा, सिक्स, सेवन छोड़ा, एट, यानी वन ऑल्टरनेट, एक को छोड़कर एक आ रहा है हमारा नंबर और एक आ रहा है हमारा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना। ऐसे 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस है। अब मैं आपको बता दूं तो ध्यान देना, जो नंबर है कैसे 15 25 37 15 25 37 एंड फाइनली 72, है ना, कुछ ऐसे है। तो देखो आउटपुट में हमको एक चीज सबसे पहले हमने क्या नोटिस की कि अल्टरनेट में चल रहा है, फर्स्ट अगर वर्ड है तो सेकंड आने वाला नंबर, थर्ड अगर वर्ड है तो फोर्थ आने वाला नंबर, फिफ्थ अगर वर्ड है तो सिक्स्थ आने वाला नंबर, तो अल्टरनेट चल रहा है कि एक को छोड़कर एक नंबर से और एक को छोड़कर एक वर्ड से, है ना। तो सबसे पहले हम वर्ड्स की सीक्वेंस देखें, तो आप देखो जो इनपुट में सॉरी नंबर्स की बात करो, अगर हम नंबर्स की सीक्वेंस देखें तो इनपुट में देखो नंबर कुछ भी 25 से 70, फिर बड़ा वैल्यू, फिर कम वैल्यू, फिर मतलब कोई सीक्वेंस नहीं। पर यहाँ पर आउटपुट में देखो तो 15 सबसे कम वैल्यू है,
उससे बड़ा 27, उससे बड़ा 37 और उससे बड़ा 72। तो आपको अगर ये मिक्सिंग की फॉर्म है, तो सिर्फ अगर वर्ड सॉरी नंबर्स की बात करें तो नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं ना, नंबर इंक्रीजिंग। तो एक पैटर्न हमको पता चला कि जो भी इनपुट है उसका आउटपुट, अब अगर हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा, समझ लीजिए क्वेश्चन, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है कि वन स्टेप एक ऑल्टरनेट चलते हुए वर्ड फिर नंबर, वर्ड फिर नंबर। तो वैसे जो नंबर्स की बात करें तो वो होने वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक चीज ऐसा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा किस चीज का, वर्ड्स के बारे में। तो ध्यान दो, वर्ड्स कैसे दे रखे हैं, ध्यान दो। सबसे पहले मैं यहां सबसे पहले समझा देता हूं, साइट दिया है ना, नाउ होम एंड बाय, है ना, ये दे रखा है, ये हमारा आउटपुट है। ध्यान दो, ये हमारा आउटपुट है। और इनपुट में क्या है, ध्यान दो, सबसे पहले आपको क्या करना, जब हमने सेकंड टाइप पढ़ा था सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स जब पढ़ा था, हमने क्या किया इनपुट के पहले ऑर्डर डिसाइड किया अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए बोल दो, अल्फाबेट ऑर्डर क्या होंगे, सबसे पहले आपको पता है क्या आने वाला, बी आएगा सबसे पहले, आएगा बी, है ना, उसको वन नाम दे दो, बी आएगा। फिर आप देखो बी के बाद क्या आता है, एच आएगा, आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, चलो ना एच आएगा। फिर देखो एन और एस में कौन सा पड़ा, एस बाद में आएगा, एन पहले आएगा, तो आ जाएगा नाउ, है ना। और फाइनली आएगा एस आई जी एच टी, है ना, तो 1 2 3 4 ऐसा अल्फाबेटिक ऑर्डर बन रहा है। देखो आउटपुट की बात करेंगे तो नंबर्स तो हमने समझ लिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो वर्ड्स क्या है, सबसे पहले हम जो भी इनपुट को अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख दिया, ये सबसे पहला काम है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख दिया। अब आप देखेंगे जो आउटपुट में है वो मैंने यहाँ लिखा था, है ना, यानी आउटपुट में क्या आने वाला है, साइट नाउ होम बाय, साइट नाउ होम बाय, वो यहाँ पर आएगा साइट नाउ होम बाय। तो आप देखो हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर 1 2 3 4 है, पर वहां पर क्या मैंने ये लिखा आउटपुट वाला, तो रिवर्स ऑर्डर में, बाय यहाँ फर्स्ट वहां लास्ट हो गया, यहाँ होम सेकंड, तो यहाँ फिर सेकंड लास्ट हो गया, थर्ड है तो थर्ड लास्ट, फोर्थ है तो फोर्थ वर्स्ट फर्स्ट हो गया। तो आप देखोगे हमने ये अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा इनपुट का, और आउटपुट में क्या इसका रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर है ना। तो आउटपुट में क्या है, यहाँ पर आ जाएगा बाई, जो यहाँ फर्स्ट आ रहे थे यहाँ सेकंड आ रहे थे यहाँ होम आएगा, यहाँ आ रहा थर्ड, तो यहाँ आ जाएगा नाउ, और यहाँ फाइनली आ जाएगा साइट, एस आई जी एच टी। तो ये आउटपुट है हमारा इसका, लेकिन वो कैसे बना, रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ध्यान दो ना, रिवर्स अल्फाबेटिक अगर 1 2 3 ऐसे चल रहा है तो वो क्या चलेगा, 4 3 2 1 ऐसे चलेगा। तो अब फाइनली हमने पूरा इनपुट से लेके यहाँ तक रीड कर ली, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या गिवन है, इनपुट का आउटपुट आ रहा है, आउटपुट क्या ऑल्टरनेट फॉर्म में है, पहले वर्ड है फिर नंबर, वर्ड है फिर नंबर, वर्ड है फिर नंबर, ये है। सेकंड चीज सिर्फ नंबर्स की बात करें तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर 15 27 37, जो भी इनपुट रैंडम फॉर्म में था उसके नंबर्स की बात करें तो वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आज ये इनपुट के वर्ड्स की बात करें, सबसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया, और ध्यान दिया कि जो आउटपुट में है वो रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो वो लिख दिए। तब अब आइए हम एग्जांपल में बढ़ते हैं, और उसमें क्या क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले आउटपुट में हमको क्या चाहिए, ऑल्टरनेट ऑर्डर चाहिए, ऑल्टरनेट को फॉर्म में चाहिए, साइट फिर सॉरी वर्ड आएगा नंबर आएगा, वर्ड आएगा नंबर आएगा, नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में और वर्ड्स रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझे। सबसे पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आइए जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 3 फॉर इनपुट गिवन बिलो। अब देखो ये हमारा इनपुट है, हमारे लिए इनपुट है ना, हमारे लिए ये इनपुट है, वो क्वेश्चन अलग, मतलब क्वेश्चन सेम है, इसी के बेस पे 3 to 4 एग्जांपल बनेंगे। अभी हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, तो अगर इसका इनपुट ये है तो उसका कुछ ही पैटर्न बन गए, जो हमने यहाँ पढ़ा जो पैटर्न बन रहा, जो सीक्वेंस बन, उसके बेस पे आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो अगर इनपुट अब चेंज हो जाता है तो उसका आउटपुट तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में केवल थर्ड स्टेप क्या होगा, तो उसके पहले हमको आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले आउटपुट निकालते, आउटपुट क्यों निकालना पड़ा, तो ध्यान दो, मैंने पहले भी बताया था जब टाइप टू पढ़ा था, क्या बताया था, जब हम टाइप वन देखे थे नंबर्स के बारे में, तो देखो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमको पता है, आपको पता है इसमें सबसे बड़ा 72, तो डायरेक्ट 72 पहले जस्ट समझाने के लिए ना, तो फिर उसके बाद पता है कि 37 है तो 37 लिखो, तो आपको ये पता है क्योंकि नंबर्स तो आपको पता चल रहा है कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी, लेकिन वर्ड्स में आपको इजीली पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हमेशा क्या करो, आउटपुट लिख दो, फिर उससे फिर स्टार्ट करो थर्ड से। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट, आउटपुट लेकिन देखो सबसे पहले आपको पता है क्या चीज है, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 है, तो जो फर्स्ट पोजीशन तो वर्ड की आने वाली, फिर एक पोजीशन छोड़ छोड़ के हमको नंबर सीखना है, ऑल्टरनेट फॉर्म में यहाँ आएगा नंबर, यहाँ नंबर आएगा,
और यहाँ यह नंबर आएगा, है ना। तो अब नंबर क्या आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो रैंडम फॉर्म में नंबर दें उनको इंक्रीजिंग में लिखते, सबसे पहले छोटा वैल्यू 24 यहाँ आएगा, देन आएगा उससे बड़ा कौन सा होगा 32, तो यहाँ लिखते 32, फिर से बड़ा होगा 49 एंड 64। ये तो हमने कहा नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, नंबर्स को अरेंज किया है। अब आइए हम कर देते वर्ड को, वर्ड में क्या देखा हमने, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में करो और उसको रिवर्स कर दो, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर समझो, यहाँ ध्यान समझो, सबसे ए आस्क, आस्क इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं, आस्क के बाद आएगा, और एक और चीज दो आस्क भी और एंड भी, तो इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट आएगा, देखो आस्क भी और एंड भी, फर्स्ट फर्स्ट ए ए है तो सेकंड अल्फाबेट को देखो, एन और एस में कौन सा पहले आता है, देखो ए बी सी डी जी एच एच जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू आर एस, एन पहले आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा एंड, तो एंड आ गया, एंड के बाद आएगा आस्क, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये फर्स्ट पोजीशन पे, फिर आ जाओ उसके बाद देखो ए के बाद आता है एफ, ये फोर आ गई थर्ड पोजीशन, और फाइनली जो बचा मी वो आ जाएगा लास्ट पोजीशन पे। तुम्हारा अल्फाबेटिक ऑर्डर 1 2 3 4 मोर है, लेकिन हमको रिवर्स चलना है, 4 3 2 1 आना है ना, तो 4 आना है यानी यहाँ पर आएगा मी ये फोर्थ नंबर पे, फिर आएगा थर्ड 4, फिर आएगा आस्क एंड फाइनली आ जाएगा एंड। तो हमने यहाँ पर कौन सा रिवर्स ऑर्डर किया, चल हमारा अल्फाबेटिक ऑर्डर कुछ ऐसा था 1 2 3 4, लेकिन हमने क्या किया 4 3 2 1, ये हमारा अल्फाबेट। तो अभी हमारा आउटपुट आ गया, क्या आउटपुट आ गया, जो इनपुट ये है इसका आउटपुट हमें मिल गया, यहाँ समझे सभी, अब इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं, हमारा आउटपुट आ गया। ये आउटपुट क्यों निकला आपको पता चला, मैंने पहले बताया जब नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें इजीली से गेस करना कौन सा बड़ा वैल्यू कौन सा छोटा वैल्यू, लेकिन अल्फाबेट्स को गेस करना या फिर वर्ड्स को गेस करना इजी नहीं, तो पहले से हमने आउटपुट लिख दिया। अब आइए स्टार्ट करते हैं, अगर इनपुट ये है तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टेप वन लिखते हैं ना, स्टेप वन क्या होगा, सबसे पहले आउटपुट में क्या मी आने वाला है, तो पहले मी लिख दो, पूरे जो हमारा इनपुट है उसमें हमने क्या किया मी को फर्स्ट लिख दिया, मी को छोड़कर बाकी सभी को ऐसे ही अरेंज कर दो एज इट इज, आस्क 449, आस्क 449, 32 64 एंड 32 64 एंड 24। तो हमने कहा मी को पहले अरेंज किया क्योंकि आउटपुट में पहले मी आ रहा है, तो मी को अरेंज किया, उसके अलावा छोड़ आस्क 449 32 64 एंड ये सब एज इट इज रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप टू में क्या होगा आपको पता है, स्टेप टू में क्या होता है कि पहला देखो आ चुका है उसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना, फर्स्ट को सेम एज इट इज रख दो, फिर बाकी जो बच गए कौन से बच गए आस्क से लेकर यहाँ तक। अब आपको एक और चीज याद रखना इसको सॉल्व करते वक्त कि आपको हमेशा पता है सेकंड पोजीशन आने वाली नंबर्स की, तो नंबर्स में देखिए क्या आने वाला, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 24 है, सबसे छोटा वैल्यू 24 रखा, और 24 को छोड़ दीजिए बाकी सबको एज इट इज, आस्क 4 49 32 64 एंड ये हमारा आगे स्टेप 2। अब उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अब एक और चीज आपको होता है, फर्स्ट आने वाला हमारा वर्ड, तो सेकंड नंबर नंबर आएगा, तो थर्ड आने वाला हमारा वर्ड, तो वर्ड में रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर, और इसलिए हमने पहले देखो, अब अगर आप यहाँ पर सोचते तो कंफ्यूजन होता, अरे आस्क आ रहा फोर के, इसलिए हमने पहले आउटपुट लिख दिया। आपको पता है ये फाइनली बनने वाला, तो ये आगे ये है थर्ड पोजीशन आने वाली 4, लेकिन कहां से मी और 24 को छोड़ के यहां से ढूंढना है ना, ओके मी 24 आस्क आ गया, सॉरी थर्ड पोजीशन फोर्थ है, 4 है सॉरी, तो 4 आ गया, 4 को छोड़ के बाकी एज इट इज, आस्क फर्स्ट है तो फर्स्ट 49 32 64 एंड ये आने वाला हमारा स्टेप नंबर 3, ये आने वाला हमारा स्टेप नंबर 3, तो फाइनली यही होगा हमारा आंसर। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो मी 24 4 आस्क, मी 24 नहीं मी 24 4 आस्क, ये 49 32 64 एंड हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे यहां तक, देखो बहुत सिंपल है, मेन मैंने पहले ही आपको बोला कि इस ऐसे टॉपिक्स में जो हमारा सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, आपको बस थोड़ा फोकस रहना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहना है, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके रखना, तो ये बहुत सिंपल है, हमको बोला था यहीं तक फाइंड करना, इसलिए हमने यहीं तक किया, क्वेश्चन में बोला था स्टेप 3 तक करना, तो स्टेप 3 हमारा है करेक्ट। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन सॉरी कौन सा एग्जाम्पल है ना, समझे यहाँ तक। तो आइए हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते, तो आज ही हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2
हाँ तो एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बोला, स्टेप फोर ऑफ एन इनपुट इज गिवन, किसी भी इनपुट का स्टेप फोर दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़िए। हाउ मेनी मोर स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, और कितने स्टेप्स लगेंगे उस अरेंजमेंट को कंप्लीट होने में, है ना, फाइनली आउटपुट में पहुंचने में। तो देखो हमारा क्या है, स्टेप फोर दे रखा है ना, स्टेप फोर दे रखा, तो ये हो गया हमारा स्टेप फोर, समझे, ये हो गया हमारा स्टेप फोर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेप फोर दे रखा है किस, अब हमको इनपुट नहीं दिया लेकिन स्टेप फोर दे रखा है, कोई भी इनपुट है लेकिन उसका स्टेप फोर दे रखा है। अब इसके बाद और कौन से और कितने स्टेप्स लगने वाले हैं कि हमारा फाइनल आउटपुट आ जाए। फाइनल आउटपुट का मतलब क्या है कि कोई भी इनपुट होगा उसका आउटपुट कैसा बनना चाहिए। सबसे पहले ऑल्टरनेट, पहला वर्ड, दूसरा नंबर, थर्ड वर्ड, फोर्थ नंबर, ऐसे बनना चाहिए ऑल्टरनेट फॉर्म में। और जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो अल्फा सॉरी वर्ड्स हैं वो रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में बनने चाहिए, फाइनल आउटपुट होना चाहिए, है ना। तो आइए हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको पता हम क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि हम जो टाइप वन पढ़ा था नंबर्स वाले में उसमें हम वन बाय वन चलते थे, क्योंकि हमको पता है नंबर्स कौन से वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है वो हम इजिली देख पाते हैं समझ पाते हैं, लेकिन अल्फाबेट या फिर वर्ड्स जब दिए रहेंगे तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, इसलिए हम पहले ही आउटपुट निकाल लेते हैं ना, फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आउटपुट निकाल लेते हैं, तो समझो अगर आउटपुट निकाल लेते हैं ना, तो सबसे पहले आपको पता है कितने स्टेप्स हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट तो आने वाला वर्ड, वर्ड को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वर्ड को छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर से फोकस कीजिए। तो नंबर कहाँ कहाँ आने वाले, ये एक को छोड़ के, फिर ये, फिर इसको छोड़ के ये, और इसको छोड़ के फाइनली लास्ट। तो नंबर जो भी है उसको हम कैसे लिखते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, लिखते हैं इंक्रीजिंग, यानी सबसे छोटा वैल्यू पहले आएगा, नहीं 17 आने वाला है यहाँ पर, 17 आएगा, फिर इसमें से और कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू, 23, देन 31, देन 47, 31 47 ये आने वाला है। अब ये तो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट रख दिया, नंबर्स की बात, ये बात ये वर्ड्स की बात करें, वर्ड्स हम क्या करें, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में रखो, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, सी आएगी, कैन, इसको वन नेम देते हैं ना। फिर आ जाएगा क्या आएगा, एबीसीडी, बड़े एबीसीडी, ई एफ जी एच एच जे के 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 एल एम एन, एम आएगा पहले, फिर आएगा लास्ट में नाउ, यानी मदर आए, मदर एंड फाइनली नाउ, तो 1 2 3 4, ये कुछ ऐसा अल्फाबेटिक ऑर्डर पर, ये तो मैं इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ आपको जिस समझाने के लिए ना, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर ऐसे बन रहा है, लेकिन हमको रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में चाहिए। अगर वन यहाँ पर है तो वन लास्ट में आना चाहिए, सेकंड यहाँ पर आ रहा है तो सेकंड लास्ट को, मतलब सेकंड से लास्ट आना चाहिए, समझे। तो हम इसको कैसे, अगर 1 2 3 4 अल्फाबेटिक तो रिवर्स कर देते, 4 3 2 1 लिख देते हैं ना, तो ध्यान दो हम लोग कहते हैं फोर्थ के नाउ है तो फोर्थ हम यहाँ लिख देंगे नाउ, थर्ड वन मदर, एम ओ टी एच ई आर, यहाँ लिख दिया, देन आ जाता है नो, के एन ओ डब्ल्यू, तो नो लिख दिया यहाँ, फाइनली आ जाते कैन। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट बनना चाहिए, ये हमारा बनना चाहिए फाइनल आउटपुट, है ना। तो यानी फाइनली हमको इस तक पहुंचना है, और हमने ये क्यों पहले से लिख दिया, अब आप समझ गए होंगे, मैंने कई बार बताया कि नंबर के केस में क्या था, इजीली आप समझ पाते हैं नंबर वैल्यू कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन अल्फाबेट से वर्ड्स को आप इजीली नहीं समझ पाते, इसलिए पहले से हमने आउटपुट लिख दिया। अब आइए स्टार्ट करते हैं, स्टेप फोर दे रखा है, मैं स्टेप फोर स्टेप नंबर फोर नहीं लिखूंगा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है आप समझ लीजिए ना, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ समझ लो स्टेप नंबर फाइव से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फाइव क्या है, तो देखो सबसे पहले तो क्या है, आपको आउटपुट में क्या दे रखा है, आउटपुट में नाउ 17 मदर 23 नो 31 कैन 40 आउटपुट ही फाइनली ये मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टॉप, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखो स्टेप फोर में क्या देखें, नाउ 17 मदर 23, नाउ 17 मदर 23, ये तो दे ही रखा है, इतना तो आउटपुट मिल ही रहा है, इसके बाद से नहीं दिया, तो जो अरेंज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसको एज इट इज लिख दो। तो सबसे पहले क्या आएगा, नाउ 17 मदर 23, इतना दे रखा है क्वेश्चन, इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है ना, इतना दे रखा है। तो अब आइए इसमें क्या क्या नहीं दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है, तो हमने क्या देखा, जितना दे रखा है उसके बाद से स्टार्ट कीजिए। स्टेप फोर ये था, स्टेप फाइव नाउ 17 मदर 23, इतना आउटपुट में आ ही रहा है। उसके नेक्स्ट नंबर हमारा, हमको पता है नो आने वाले, के एन ओ डब्ल्यू, जो हमारा पैटर्न चल रहा है ये देखो, या तो दो मेथड, या तो पहले से आउटपुट लिख लो तब इजी होगा, वरना वन बाय वन करने जाओगे तो उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वर्ड आया फिर नंबर फिर वर्ड आया फिर नंबर, तो नेक्स्ट आने वाला वर्ड, और फिर रिवर्स अल्फाबेटिक, देखो एक तो प्रॉपर अल्फाबेट ऑर्डर में होता तब भी ठीक है, लेकिन रिवर्स तब आपको फिर सोचना पड़ेगा, तो इसलिए हमने पहले से आउटपुट लिख दिया है ना। वो भी मेथड है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी, पहले से आउटपुट लिख दो तो आपको पता है चार नेक्स्ट आने वाला, के एन ओ डब्ल्यू, के एन ओ डब्ल्यू, तो ये आगे। अब नेक्स्ट क्या क्या बच गया, देखो के एन ओ डब्ल्यू ये
इसको छोड़ के बाकी एज इट इज कैन 47 37, कैन 47 31 है ना, कैन 47 31 एज इट इज रख दिया है ना। अब आइए स्टेप सिक्स, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है, ध्यान देना। तो अब देखो जो अरेंज है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, हमको आउटपुट क्या चाहिए, नाउ 17 मदर 23 नो, तो नो तक तो हमारा कंप्लीट चल रहा है, उसको एज इट इज लिख दो, नाउ 17 मदर 23 के एन ओ डब्ल्यू नो, यही है ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या चीज बच जा रही है, कैन से 47 तक, तीन वर्ड्स हैं, चाहे नंबर से वर्ड से कुछ भी। अब आपको पता है पहला वर्ड नंबर, वर्ड नंबर, वर्ड नेक्स्ट आने वाला नंबर, नंबर वो भी हमारा 31 लिख दिया, 31 तो आ गया, तो क्या रहेगा ये आ गया, तो बाकी ऐसे डिज कैन 47 कैसे लिख। अब आप एक चीज नोटिस करो, स्टेप सिक्स के नाउ 17 मदर 23 नाउ 17 मदर 23 है ना, इसके बाद नो 31 कैन 47 नो 31 कैन 47 एज इट इज हमारा आ गया स्टेप नंबर जो सिक्स है वो हमारा आ गया फाइनली आउटपुट, ये आ गया आउटपुट, या फिर इसी को बोल सकते हैं हमारा लास्ट स्टेप, इसी को हम बोल सकते हैं हमारा लास्ट स्टेप है ना। यही तो चाहिए था हमको, क्वेश्चन में केवल स्टेप फोर इज गिवन एंड हाउ मेनी मोर स्टेप रिक्वायर्ड, तो कितने स्टेप्स लगे, ध्यान दो स्टेप फोर गिवन था, ये लगा स्टेप नंबर वन, ये लगा स्टेप नंबर टू, तो टू स्टेप्स मोर लगे, तो कौन सा ऑप्शन है, टू इज करेक्ट आंसर, समझे। यहाँ तक हमने क्या किया, देखो सिंपल सा मेथड, मैं फिर से बार बार आपको एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट रहो, फोकस्ड रहो, तभी इस टॉपिक में बहुत अच्छे से समझ पाओगे ना। तो आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक बात करेंगे, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीडियो के सेक्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक देते हैं, उसी हिसाब से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दो लिंक है, एक क्विज के रिलेटेड और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के रिलेटेड, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है ना, तो कोई बात नहीं। तो हमने आज बस इतना ही, हमने आज क्या किया, टाइप 3 कंप्लीट कर लिया अपना है ना, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे टाइप्स रह गए उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।